रुको रुको रुको, फाइनली तुमने वीडियो ओपन कर दी। मैं कब से वेट कर रहा था तुम्हारा कि तुम्हें भी मौका मिलना चाहिए अपने दोस्तों को चमकाने का। कैसे चमकाने का, चलो बताता हूँ। मैं तुम्हें कल की मूवी की वो डिटेल बताने वाला हूँ कि जब तुम ये डिटेल अपने दोस्तों को बताओगे तो वो तुमसे सिर्फ एक ही बात बोलेंगे, तू तो जीनियस है यार। तो चलो, अपने अपने दोस्तों के सामने भरम मारने का समय आ चुका है, तो शुरू करते हैं। फिर मूवी की स्टार्टिंग में जब लॉर्ड कृष्णा अश्वत्थामा से उनकी शिवमणि ले लेते हैं, तो अश्वत्थामा से ये बोलते हैं कि तुम्हारी मणि तुम्हें स्वयं खुद ढूंढ लेगी जब समय आएगा। तो इससे ये बात साबित होती है कि ये सब भगवान पहले लिख चुके हैं। तो हमें जो भी कल की 2898 AD मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया है, मतलब इनका मरना ये सब पहले लिखा जा चुका था। तो इसका मतलब भगवान हमको कंट्रोल करते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चलो मैं समझाता हूँ। इंसानों को जो फैसला होता है वही उनके आने वाले कल को डिसाइड करता है। इसका उदाहरण ये है, महाभारत में अश्वत्थामा पांडवों के वंश को खत्म करने के लिए उत्तरा के बेटे जो भी अपनी माँ के गर्भ में है उसको ब्रह्मास्त्र से मार देते हैं, मगर उस बच्चे को मारने का फैसला लिखा नहीं गया था, ये फैसला स्वयं अश्वत्थामा का था। तो इसी फैसले की वजह से अश्वत्थामा को सजा भी मिलती है और उसके बाद लॉर्ड कृष्णा उस बच्चे को स्वयं जीवित कर देते हैं। तो यहाँ पर यह बात बिल्कुल गलत हो जाती है कि भगवान हमको कंट्रोल करते हैं। और उसके बाद महाभारत के समय के बाद अभी तक की कहानी एनिमेशन में दिखाई जाती है कि कौन कौन सा युद्ध हुआ है, कौन कौन सी वॉर हुई है। और इस एनिमेशन के लास्ट में ये भी दिखाया जाता है कि इंसानों ने लास्ट में परमाणु वॉर कर दी थी और उसके बाद सुप्रीम यास्किन आता है और वो सभी कंट्री को खत्म करके अपना कॉम्प्लेक्स बनाता है। और ये जो भी कुछ हुआ था ये अश्वत्थामा के सामने हुआ है, मगर उन्होंने इस अनदेखा कर दिया क्योंकि ये युद्ध उनका था ही नहीं। और एक सीन आता है जिसमें कमांडर मानस उन दोनों साइंटिस्ट से बोलता है सिरम के बारे में जो लड़कियां और बच्चियों को प्रेग्नेंट करके उनके अंदर से निकाला जाता है। मगर एक साइंटिस्ट कमांडर मानस को कुछ दिखाता है, जो फॉर्मूला सुप्रीम यास्किन ने बनाया है वो इंसानी डीएनए से बहुत ज्यादा अलग है और वो उस फॉर्मूले को इन लेडीज और इन लड़कियों के पेट में इम्प्लांट करके उससे वो सिरम निकालते हैं। अब हमें ऐसा कुछ तो बताया नहीं गया कि ये फॉर्मूला क्या है, मगर ये इस फॉर्मूले का नाम देते हैं प्रोजेक्ट के का। अब प्रोजेक्ट के क्या हो सकता है, प्रोजेक्ट कल्कि, प्रोजेक्ट कली, या फिर अभी जो रूमर्स आ रहे हैं प्रोजेक्ट कृष्णा, हाँ गुरु द लॉर्ड कृष्णा। मगर एक थ्योरी ये भी सामने आई है कि सुप्रीम यास्किन एक साइंटिस्ट हो सकता है जिसको वेद और पुराण की अच्छी खासी नॉलेज हो और उसने फॉर्मूला ढूंढ लिया हो इंसानों को अमर होने का, क्योंकि नागर्षि ने ये अनाउंस कर दिया कि वो कल्कि का पूरा यूनिवर्स बना रहे हैं। अब यूनिवर्स के अंदर तो हर एक कैरेक्टर को पर अपनी एक सोलो मूवी बन सकती है, तो शायद ऐसा भी हो सकता है जिसको हम कली समझ रहे हो वो कली ही ना हो। और आप इस सीन को ध्यान से देखोगे तो जब साइंटिस्ट सुप्रीम यास्किन को जहर देता है तो सुप्रीम यास्किन के अराउंड में जो भी बॉल इक्विपमेंट टाइप होता है ये भी सुप्रीम यास्किन के साथ पानी में गिर जाता है। तो इससे ये कंफर्म हो जाता है जो बॉल टाइप सुप्रीम यास्किन के आसपास घूम रहा है ये सुप्रीम यास्किन के माइंड से कनेक्ट है, क्योंकि जैसे सुप्रीम यास्किन पानी में गिरता है तुरंत ये भी गिर जाती है। हमें मूवी के क्लाइमैक्स में ये तो दिखाया गया है कि भैरवा करण का रीइंकार्नेशन है, मगर उसका जन्म कहां पर हुआ और उसके माता पिता कौन थे हमको पूरी मूवी में कहीं नहीं बताया गया है, जो अगेन भैरवा के कैरेक्टर को और भी ज्यादा इंटरेस्टेड बनाता है। मगर मुझे एक बात समझ नहीं आई, जब गांधी को कोई हाथ नहीं लगा सकता था, ना इंसान ना मशीन, तो इसको यहां से यहां तक लेकर कौन आ गया? सोचने वाली बात है ना। कल के 2898 AD के मिड क्रेडिट सीन में जब काउंसलर वानी सुप्रीम यास्किन को एक्सट्रैक्ट किया हुआ सीरम का एक ड्रॉप देता है और उस एक ड्रॉप से सुप्रीम यास्किन अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है, मगर वो बात तो सब ठीक है, एक बात यहाँ पर ये भी आ जाती है कि सुप्रीम यास्किन ने गांधी को उठाया कैसे? सिंपल सा फंडा है, भगवान के अंश का एक बूंद सुप्रीम यास्किन के अंदर आ चुका है और अब सुप्रीम यास्किन के अंदर गॉड वाली पावर आ गई। क्योंकि जब सुप्रीम यास्किन गांधार को पकड़ने जाता है तब गांधार के अंदर की एनर्जी निकलती है जो सुप्रीम यास्किन को गांधार की तरफ आकर्षित करती है। और उसके बाद वो एपिक सीन आता है जिसमें सुप्रीम यास्किन गांधार को उठाकर लिटरली गॉड लगता है, उस टाइम पर बहुत एपिक सीन लगता है वो। तो चलो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, जितना मेरे को समझ में आया मैंने आपको बता दिया, बाकी कुछ रह गया हो तो नेक्स्ट वीडियो में ले आऊंगा, कमेंट कर देना। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, ओके टाटा बाय बाय।